जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान झोपड़ी में रात के समय पूरा परिवार सो रहा था, इसके दौरान झोपड़ी में आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि माँ बेटे को घोषित कर दिया गया है, लेकिन मृतका के पति समय रहते आँख खुल गई थी, जिसके दौरान वह बाहर निकल आया था। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला राजस्थान के बीकानेर जिले के गजनेसर इलाके के चांडासर गांव का बताया जा रहा है। घटना देर रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। यहां पर एक झोपे में रेवताराम सासी, पत्नी ममता सासी 22 वर्षीय और 1 वर्षीय बेटी खुशी सो रहे थे। रात के समय किसी कारणवश से झोपे में आग लग गई थी, जिसके दौरान रेवताराम की आंखें खुल गई और वह बाहर निकल आया। इसी दौरान वह कुछ नहीं कर पाया और इस घटना के दौरान माँ और बेटी को घोषित कर दिया गया। उधर लोंडका नसन निवासी ममता के पिता ईश्वराराम ने कहा कि उसकी बेटी और दोहितों को एक प्लानिंग के दौरान ही ससुराल वालों ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि ममता और रेवताराम की शादी करीब 3.5 साल पहले 17 मई 2019 को हुई थी। दोनों के बीच अनबन चलती थी और वह कई बार पिहर भी गई थी। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अध्यक्ष तेजस्वी गौतम भी मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जाँच पड़ताल करने के दौरान मामले में जाँच पड़ताल की जा रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।